Hello, welcome to BM English online course. आज का ये मेरा episode is dedicated to one student. मुझे याद है ये student हमेशा परेशान रहता था एक tense को लेके. बहुत जिद पे था वो tense use न करने के लिए. आखिर मैंने पूछा क्यों, तो कहने लगा मैम जब मेरा पास्ट कभी सिंपल और परफेक्ट रहा ही नहीं तो फिर मैं पास्ट की बातें बताने के लिए पास्ट सिंपल क्यों यूज करूं. वेल, आज की वीडियो से आई प्रॉमिस दैट आपका पास्ट भले कैसा भी रहा हो बट पास्ट सिंपल टेंस में आप परफेक्ट हो जाओगे. सो लेट्स गो अहेड. जिस तरह हम कोई भी रेसिपी कोई भी डिश तैयार करने के लिए पहले इंग्रेडिएंट्स की तैयारी करते हैं, सेम वे इफ यू वॉन्ट टू यूज पास्ट सिंपल आपको पहले सही वर्ब्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स का ज्ञान होना चाहिए. ओके, सो पहले हम इंग्रेडिएंट्स की तैयारी करेंगे. फॉर पास्ट सिंपल सेंटेंसेस आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना पड़ेगा और वो सेकेंड फॉर्म दो तरह के होते हैं, इसीलिए शायद कुछ लोग थोड़ा घबरा जाते हैं. So let's have a look. Regular verbs, irregular verbs. अब regular और irregular दोनों use होते हैं regularly, but उनका फर्क सिर्फ इतना है spelling का. Okay? So बहुत आसान है. Verbs which take ed ending में, second form में ed ले लेते हैं, उनको हम regular verbs कहते हैं. Examples, play. So play becomes played. Work, work को भी आप second form में ed लगा लो, worked. Laugh, laughed. Cook, cooked. Got it? चलो मैं आपसे कुछ और पूछती हूं, जैसे कि talk, उसका second form क्या होगा? Yes, ed लगा लो, so it becomes talked. Like that. अभी दूसरी जो verbs है, हमारे पास और भी वर्ब्स है बट एज यू कैन सी इनमें हमने ईडी नहीं लगाया. सो दीज वर्ब्स कम इन द कैटेगरी ऑफ इररेगुलर वर्ब्स. इनको थोड़ा बाय हार्ट करना पड़ता है. ओके, सो जैसे कि डू, डू का होगा सेकंड फॉर्म डिड. हैव, हैड. कम, केम. सिंग, सैंग. So, इस तरह और भी वर्ब्स है जिनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी. सो उनको आपको याद करना पड़ेगा बस और कुछ भी नहीं. एक बार वो याद हो गया तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी. अब हम देखते हैं कुछ फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला, रेसिपी क्या है ये डिश बनाने की. ओके, फॉर्मूला क्या है टू मेक अ सेंटेंस इन पास्ट सिंपल. सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट ले लो. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो हमने अभी सीखे रेगुलर एंड इरेगुलर, और उसके साथ ऑब्जेक्ट. हाँ, बट हम यूज कब करेंगे पास्ट सिंपल. सो दिस इज द टाइमलाइन, आप इधर देख सकते हो. पास्ट सिंपल को आप अभी के पहले जो भी हुआ, अभी के पहले बिफोर नाउ, फिर वो भले दो सेकेंड पहले हुआ हो, दो मिनट पहले हुआ हो, दो आवर्स दो घंटे पहले हुआ हो, दो हफ्ते या दो सेंचुरीज पहले. फॉर एन एक्शन वी यूज पास्ट सिंपल, फॉर एन एक्टिविटी बिफोर नाउ. सो अभी के पहले कुछ भी हुआ हो आप पास्ट सिंपल यूज करोगे. ओके, जैसे कि सपोज कमरे में कोई दो मिनट पहले आया. आने के लिए वर्ब है कम. ओके, सो ही कम की जगह में कहूंगी बिकॉज पास्ट हो गया. सो ही केम टू मिनट्स अगो. ओके, सो आपने कल, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आपने कल क्या क्या किया, आपका कल का रूटीन. अभी आपको मैं आई गिव यू टू मिनट्स, आप दो मिनट में अगर आप पांच चीजें ऐसी बता दो मुझे कि आपने कल क्या क्या किया. ओके, यूजिंग these verbs or any other verb, आप और भी कुछ verbs try कर सकते हो. So for example, कल क्या आप कहीं बाहर गए थे?
क्या आपने आप किसी से मिले? आप क्यों गए थे बाहर? सो यू कैन मेक सिंपल सेंटेंसेस, ओके? बट आपको पता कैसे चलेगा कि कोई आपसे पास्ट के बारे में पूछ रहा है? सो हियर यू कैन सी द एग्जांपल्स. ये एग्जांपल है ऑफ पास्ट सिंपल क्वेश्चन. सो जब भी आपसे किसी ने डिड में पूछा, ओके, फॉर एग्जांपल व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, मतलब आपने कल क्या किया, तो आपका जवाब कैसे होगा? ओके, अभी आपके पास V2 वर्ब है, V2 का नॉलेज है. सो आपने क्या किया, समझो मान लो आप कहीं बाहर गए, सो जाने के लिए द वर्ब इज गो, बट आप गो नहीं यूज करोगे, राइट? सो व्हाट इज द V2 फॉर्म ऑफ गो? एनी गेसेस? वेंट. ओके, सो आप वेंट यूज करोगे. आई वेंट आउट यस्टरडे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आपने आप कहां गए? ओके, सो वेयर डिड यू गो? आप कहां गए? बिकॉज डिड आया मतलब मैं तुरंत समझ गई कि वो पहले के बारे में है, बिफोर नाउ, और इधर तो कल की बात हो रही है. सो वेयर डिड यू गो? आप किसी जगह का नाम बता सकते हो. ओके, आई वेंट टू, लेट्स से आप किसी मॉल में गए, सो आई वेंट टू अ मॉल. ओके, यू कैन नेम एनी अदर प्लेस. समझो आप मंदिर गए, आई वेंट टू द टेम्पल. ऑफिस गए, ओके, सो आई वेंट टू माई ऑफिस. आपने क्या किया या फिर आप क्यों गए? ओके, क्यों के लिए वर्ड है वाई. सो वाई डिड यू गो? कम ऑन, मेक अ सेंटेंस. आप क्यों गए? ओके, सो रीजन बता सकते हो वाई, तो ऑब्वियसली बिकॉज आएगा. सो आई वेंट, आप मॉल गए, मान लो आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने गए, सो आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड्स. डिड यू हैव अ गुड टाइम? क्या आपको उधर मजा आया, क्या आपने एंजॉय किया? ओके, तो शॉर्ट आंसर्स, फिर हम शॉर्ट आंसर यूज करेंगे. यस आई डिड. सो आप आई डू नहीं कहोगे. ओके, डू का एज यू सी सेकेंड फॉर्म इज डिड. सो अ क्विक रिकैप, जब भी आप पास्ट सिंपल में पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं, सो यू हैव टू यूज, आपको यूज करना है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. फिर वो भले आप रिप्लाई कर रहे हो शॉर्ट आंसर में, जैसे कि यस आई डिड, नहीं किया तो नो आई डिडंट. ओके, या फिर आप कुछ भी आप बता रहे हो जो आपने पास्ट में किया हो. सो नाउ आई वॉन्ट यू टू राइट, अभी आप लिखिए कुछ सेंटेंसेस. सिर्फ कल सुबह आपने क्या क्या किया उठने के बाद. ओके, लेट्स से आप जितने बजे उठे, तो वो एक सेंटेंस बनाइए. फिर आपने क्या किया उसके बाद घर से निकलने के पहले तक. सो यू कैन मेक 5 सेंटेंसेस, यू हैव 2 मिनट्स. आप 5 सेंटेंसेस बनाइए, ओके, एंड लेट अस सी इफ दे आर राइट और रॉन्ग.